हेलो नमस्कार। आज मैंने 2-3 दिन में दाल बनाई है। मैं अब शाम का खाना बना रही हूँ और मैं बनाऊंगी। किसी ने मुझे मिर्च बोला था कि आप हरी मिर्च बनाओ तो बताना, तो मैं भी वो मिर्च बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने बनाई बढ़िया सी दाल, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने, तीखी नहीं डाली है, और हींग, बस थोड़ा सा इसमें प्याज का छोंक लगाया, और ये बढ़िया सी दाल तैयार। तो चलिए मैं मिर्च बताती हूँ कि कैसे बनाऊंगी मैं। थोड़ा सा मैं सरसों का कच्ची कच्ची घनी का तेल होता है ना, उसमें मिर्च बहुत अच्छी खिल के आती है, बहुत बढ़िया लगती है। तो थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाला और अभी फटाफट ये तैयार होती है खाने के लिए। अभी 5 मिनट में बन जाएगी और अभी साथ के साथ ये खाने के लिए तैयार हो जाएगी। और इनको फ्रिज में रखो, 1 हफ्ता चल जाती है। 10 दिन की बनो, मैं तो थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ। अभी तो मैंने बिल्कुल ये बस 4-5 दिन ही चलेगी, तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बनती है। सब लोग बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं, आप लोग बताना कि आप कैसे बनाते हो। मुझे अचार बनाने का बहुत शौक है, भले ही कोई खाए चाहे नहीं खाए, पर मिर्च का तो सब खा लेते हैं। और एक मेरा विचार, इंसान अपने सबसे बुरे वक्त को अच्छा बना ले, उसको देख ले कि मेरा कैसा वक्त था, तो उसको याद करे, सब अच्छा चलता है फिर। ये आज का मेरा विचार था। अभी मैं तेल गरम कर रही हूँ। अभी तेल गरम हो जाएगा। मेरा भी ये विचार आपको कैसा लगा? विचार यही है कि अपने बुरे वक्त को, मेरा मतलब यह है कि अपने बुरे वक्त को अपनी ताकत बना ले, कमजोर नहीं बने। ये आज का मेरा खुद का कुछ मैंने पढ़ी थी, ये खुद का मेरा आज का विचार है। तो आप कमेंट करना कि आपको ये कैसा लगा। तो मैं आपको मिर्च बताऊंगी। और मैं सोच रही थी कि आज मैं कुछ DIY करूं, पर मैं इतनी ज्यादा थक गई क्योंकि मैं रोजाना एक एक घर में एक स्पेस, एक कोना ऐसा ढूंढ लेती हूँ जहाँ बहुत गंदा और भोजन मिल जाता है मुझे। पता नहीं मैं रोज इतनी सफाई करती हूँ, कहाँ से गंदा मिलता है। तो मैंने एक फ्रिज के पीछे बहुत गंदी गंदगी निकली कोनों में से, जबकि रोज पोछा लगता है पर कोनों तक नहीं पहुँचता। उसके पीछे से, उसके नीचे से, जो उसके पीछे खिड़की है उसमें से बहुत गंदगी निकली। तो आज मैंने वो की है, तो मैं बहुत थक गई। मैं DIY सोच रही थी, पर फिर मैंने सोचा चलो आपको इसी का टूर करा दूंगी, और ये इवनिंग का खाना आपके साथ यही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं लगभग रोज सी डाल देती हूँ। तो मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाऊंगी मैंने किस तरह से क्लीन किया। रोज एक काम ढूंढ लेती हूँ मैं, तो वो सही रहता है, बिजी भी रहते हैं और अच्छा भी लगता है, साफ सुथरा। और एक ये मैंने, ये देखो, इसको यहाँ लगाया, डेकोरेट किया इसको इधर मैंने। चलिए ये मिर्च हो गई मेरी। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या डालना है इसमें। खूब सारी तो राई, नमक, बिल्कुल जरा सी हल्दी येलो कलर के लिए, और अब इसमें ये हम डाल देंगे मिर्च। इनको मैंने ढक दिया, ये भी 5 मिनट में बन जाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसमें क्या डालूंगी। वो भी बहुत अच्छी लगती है वो, जैसे किसी ने पूछा था
कोई है वैष्णवी चौधरी, तो मैं उनको बता रही हूँ, आप सभी को बता रही हूँ। तो इस तरह से बनाती हूँ मैं। और एक मेरा सुविचार, खुश रहना है तो आप जो कर रहे हैं उसे पसंद करें, या जो पसंद है वो करें। ये एक विचार था। अब ये बन जाएगी। अगर मेथी दाना खाते हो तो इसमें अंदर वो भी डाल सकते हैं फ्राई करके, बहुत अच्छी लगती है। और खट्टी खानी है तो थोड़ा सा जो डाल ले, इस तरह से देखो इस तरह से भुन जाती है, इसका कलर चेंज हो गया। ये मेरी दाल मूंग वाली, ये बहुत अच्छी लगती है बरसात के दिनों में। और अब मैं इसके अंदर पता है क्या डालूंगी, थोड़ा सा अलग से मैंने बेसन भून रखा था, सूखा बेसन इसके अंदर। बस मैंने इसमें एक भी चम्मच पानी नहीं डाला। और आप इसको कई तरह से खा सकते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी जब आप खाएं तो थोड़ी सी इसके अंदर एक चम्मच इसमें दही मिला लीजिए, जितनी आपको खानी है उसको मिक्स कर लीजिए दही में, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, खासकर दाल के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक मिनट और रखूंगी मैं इसको, ये तैयार हो जाएगी। ये देखो इसको मैंने इधर डेकोरेट किया है, बहुत सारे ये मेरे पास रखे थे तो मैं इसको इधर ले आई आज। सॉरी, ये मैंने डाइनिंग को इधर रखा। ये देखो, ये मैंने देखो बोतल को डेकोरेट किया। ये फ्रिज के पीछे जो खिड़की थी उसको मैंने डेकोरेट किया इस तरह से। और ये फ्रिज, ये देखो बिल्कुल, ये देखो ये किचन है मेरी, जैसे ये किचन है मेरी, किचन में से निकलते ही ये मेरा इधर फ्रिज दरवाजे के बिल्कुल पास, जो आसानी हो जाती है। इसको तो मैं काफी दिनों में चेंज करती हूँ, थोड़ी सी गंदगी निकल गई इसकी, सफाई हो गई और थोड़ा सा चेंज हो गया ये मेरा डाइनिंग स्पेस। अब मैंने यहाँ लैंप जलाया है, ये देखो मैंने यहाँ कुछ हैंकर रखे थे वो हटा दिए, वापस मैंने इस तरह से फोटो लगा दिया। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ कल, DIY बताऊंगी कुछ। ये मेरा डाइनिंग स्पेस है, आप दूर से देखें। तो आप बताना ये मेरा थोड़ा सा चेंज मेकओवर कैसा लगा।
और ये देखो मेरे पास इस तरह से एयर टाइट है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये इस तरह से देखो, आप किसी भी कंटेनर में कुछ भी रखे, जिस चीज में कीड़ा लग गया हो तो इस तरह से इससे पैक कर दीजिए। जैसे मूंगफली जल्दी खराब होती है, जाले जाले लग जाते हैं, कोई भी साबुत दाल और काजू वगैरह ड्राई फ्रूट, तो इस तरह के कवर है देखो, और ये इस तरह से इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये देखो किस तरह से बिल्कुल किस तरह से पैक हो गया, कैसे भी रखो इसको, और देखने में भी कितना सुंदर लगता है। और हमारी ये मिर्च हो गई तैयार, ये देखो फटाफट 5 मिनट में बन जाती है। बेसन भी पट गया तो इसका अलग ही टेस्ट आता है। चलिए फिर कल मिलती हूँ, कल फिर मिलती हूँ, फिर मैं कुछ दिखाऊंगी। ये देखो ये दिख गया ना आपको, ये कितना अच्छा लगता है, ये मैं दोबारा दिखा रही हूँ। ये इस तरह का है, बहुत अच्छी इसकी रबर है, ये शायद बाहर का है, विदेश का, मेरी डॉटर इन्होंने दिया था। तो चलिए फिर।